राजेश है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। हमारे यहाँ पे टोटल इलेक्टर्स आप लोग तो जानते ही होंगे, 3,23,490, उसमें से मेल वोटर्स है 1,62,000, फीमेल वोटर्स है 1,61,000। तो 3,23,490 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 54 कदमतला कुर्ती, 55 बागबासा, 56 धर्मनगर, 57 जुबराज नगर, 58 पनीसागर, 59 बेचरथल और 60 कंचनपुर। 7 सीट है, उसमें से 5 जनरल है, 2 एसटी का सीट है। तो इसमें से तकरीबन हर पोलिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 50 50-52-55 पोलिंग स्टेशन तक है। टोटल हमारे यहाँ पे पोलिंग स्टेशन है 361 पोलिंग स्टेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट में, 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसमें से और एक 6 ऑन अकाउंट ऑफ ब्लू वोटर्स ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी क्रिएट कर दिया गया है। ये ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन आते हैं 58, 59 और 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहाँ पे रिसेटलमेंट काम हो चुका है। हमारे यहाँ पे आप लोग तो जानते ही है कि एक फॉर्म 12D आता है, जहाँ पे डोर स्टेप वोटिंग फैसिलिटी दिया जाता है। ये तो PWD वोटर्स के लिए, ET+ वोटर्स के लिए दिया जाता है। तो इनमें से हम लोग तकरीबन अराउंड 6,000-7,000 लोग थे, 2,357 PWD वोटर्स, 80+ में 3,738 वोटर्स हैं। उसमें से जो वॉलेंट्री है, ये फॉर्म दिया गया था, दो बार घर में जाते हैं टीम्स, उसमें से हमारा 700 फॉर्म्स रिसीव कर चुके हैं, जहाँ पे डोर स्टेप डिलीवरी डोर स्टेप वोटिंग के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा एज पर द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस। सर्विस इलेक्टर्स है हमारे डिस्ट्रिक्ट में 799। अभी तक आपको थोड़ा ब्रीफली हम लोग बता देंगे अभी तक कितना नॉमिनेशंस हम लोगों ने रिसीव किया है। तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन था 30 जनवरी, और आज हमारा स्क्रूटिनी चल रहा है 54 कदमतला में। वी हैव रिसीव्ड टोटल 10 नॉमिनेशन पेपर्स, बट सिर्फ 4 कैंडिडेट का, 4 कैंडिडेट्स है, एक CPM पार्टी के, एक आमरा बंगाली, एक AITC और एक BJP। 54 कदमतला कुर्ती में टोटल 4 कैंडिडेट, 4 पार्टी के तरफ से 10 नॉमिनेशन पेपर दिया गया था। 55 बागबासा, यहाँ पे भी 4 पार्टी के तरफ से 10 नॉमिनेशन पेपर दिया गया था। 55 बागबासा, यहाँ पे भी 4 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किया गया था। एक था CPIM, AITC, BJP एंड त्रिपुरा मोता। 56 धर्मनगर, यहाँ पे 7 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर भरा है, एक है आमरा बंगाली, एक है SUCI, एक है INC, CPIM, BJP और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो टोटली 7 कैंडिडेट्स हैव फाइल नॉमिनेशन इन 56 धर्मनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। 57 जुबराज नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कैंडिडेट ने फाइल किया है नॉमिनेशन पेपर्स, एक कैंडिडेट है CPIM से, AITC, BJP और एक इंडिपेंडेंट। तो 3 पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 57 जुबराज नगर। 58 पनीसागर में 4 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया है, उन्होंने CPIM, BJP, आमरा बंगाली एंड त्रिपुरा मोता। 59 पेचरतल में 6 कैंडिडेट लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स भरा है, एक आमरा बंगाली, एक AITMC, BJP, त्रिपुरा मोता, CPIM और एक INC। 60 कंचनपुर में भी 7 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर्स भरा है, एक CPIM, त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी से एक IPFT, त्रिपुरा मोता, 2 इंडिपेंडेंट और एक आमरा बंगाली। सो टोटल हमारे 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 36 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किया है अक्रॉस 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका स्क्रूटिनी आज चल रहा है, तो आई थिंक अराउंड और 1-2-3 बजे तक हमारा स्क्रूटिनी शुड बी कम्प्लीटेड, एंड देन हमको पता लगेगा कि कितना वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स रहेंगे या फिर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रहेंगे। आफ्टर दी विड्रॉल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स पता लग जाएगा, बट आज का स्क्रूटिनी के बाद वी विल गेट टू नो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स कितना लोग रहेंगे।
हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ भी देना चाहता हूँ कि आप लोग तो जानते ही हैं 16 तारीख फरवरी को हमारे यहाँ पे वोटिंग होगा। 16th इज दी डे फॉर वोटिंग, ठीक ना। इसमें बहुत सारा अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सीईओ ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आया है और अरेंजमेंट्स हमारा तरफ से भी हम लोग ले रहे हैं। इसमें से आप लोग तो जानते ही हैं वेबकास्टिंग, वेबकास्टिंग इज बीइंग डन हमारा हर पोलिंग स्टेशन में 367। इसमें हर पोलिंग स्टेशन में हम लोग वेबकास्टिंग करेंगे, साथ वीडियोग्राफी टू